सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को और इस घंटी पे क्लिक करो ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ सफ़ी खान और मैं आज आपको कैलिस्थेनिक वर्कआउट के बारे में कुछ टिप्स नॉलेज और इस वर्कआउट के बारे में आपकी कुछ गलत फहमियाँ दूर करना चाहता हूँ भाई। और मैं चाहता हूँ हमारे इंडिया के लोग भी ये वर्कआउट करें और सीखें क्योंकि ये बहुत अच्छा वर्कआउट है। इसलिए मैं आपको यूट्यूब के जरिए ये वर्कआउट सिखा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो को पूरा देखें और समझें। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है गाइस, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो ये कि कितने लोग कंफ्यूज रहते हैं, मतलब स्टार्ट कैसा करें, कब कौन सा सेट मारे, कब क्या स्टेप सीखें। तो मैं आपको बता दूं गाइस, आप मेरा पहले का वीडियो देखो जिसमें मैं बेसिक बताया हूँ और आप तीन चीज़ पर ज़्यादा ध्यान दो, पुल अप, पुश अप, डिप। ये तीनों बहुत अच्छे वर्कआउट है, इससे आपकी अपर बॉडी स्ट्रांग होती है। और इसके साथ में आप कोई दिन मसल अप सीख लो तो कोई दिन बैक लैप पुशअप, अलग अलग दिन अलग अलग सेट ट्राई करते रहो, इससे आप एक एक चीज़ सीखते भी रहेंगे और आपकी अपर बॉडी स्ट्रांग भी होती रहेगी। गाइस, जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो ये कि कितने लोग डरते हैं गाइस ये वर्कआउट करूँगा तो मेरा रिस्ट इंजरीज ना हो जाए, एल्बो इंजरीज ना हो जाए, या शोल्डर इंजरीज ना हो जाए, या कोई और प्रॉब्लम ना हो जाए। तो मैं आपको बता दूं गाइस, आप पहले अपने दिल से डर निकाल दो। आप वर्कआउट से पहले अच्छे से वार्मअप करो, वार्मअप बहुत ज़रूरी है गाइस। वार्मअप के बाद थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लो, स्ट्रेचिंग के बाद जब भी आप वर्कआउट करेंगे ना सही ढंग से सही फॉर्म में वर्कआउट करो। और वर्कआउट के बाद 10-15 मिनट टाइम निकाल के फिर स्ट्रेचिंग करो, इससे आपके इंजरीज के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा गाइस। गाइस, जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो ये क्या, कितने लोग सोचते हैं मतलब मैं इतने दिन से ट्राई कर रहा हूँ मुझसे हो रहा नहीं है, मैं ये कर पाऊंगा क्या नहीं कर पाऊंगा, ये इतनी हार्ड चीज़ मैं कर नहीं पा रहा हूँ, ये नहीं वो नहीं। तो मैं आपको बता दूं गाइस, ये वर्कआउट ऐसा है ना, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे ना उतना जल्दी सीखेंगे। और आप कभी हार मत मारो, आप सिर्फ प्रैक्टिस करते हो, आप कब वो चीज़ सीख जाएगी आपको खुद को यकीन नहीं होगा। और आप कभी भी वर्कआउट करेंगे ना दिल से पूरे इंटरेस्ट के साथ करो, इससे आपको वर्कआउट करने में अच्छा लगेगा और सीखने में आपको ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है गाइस, जो हमारा चौथा पॉइंट है वो ये कि कितने लोग सोचते हैं मेरी इससे ये वर्कआउट से बॉडी बनेगी या नहीं बनेगी, या ये वर्कआउट के फ़ायदे क्या है। तो मैं आपको बता दूं गाइस, ये वर्कआउट से ना बॉडी बहुत जल्दी और बहुत अच्छी बनती है। आप अपनी डाइट अच्छी रखो, डाइट जितनी अच्छी रखेंगे उतनी जल्दी बॉडी बनेगी। ठीक है, और ये वर्कआउट ऐसा है ना, आपकी जितनी बॉडी नहीं रहेगी उससे ज़्यादा आपके अंदर ताकत होगी, क्योंकि अपना आप अपना ये वर्कआउट अपना वेट उठा रहे हो और अपना वेट उठाना खाने का काम नहीं है। ठीक है, और गाइस ये वर्कआउट ऐसा है, आप ना ये वर्कआउट कभी भी कर सकते हैं। आपको सिर्फ दो चीज़ की ज़रूरत है, पुल अप बार, डिप बार। आप अपने घर में लगा कर सकते हैं, आप अपने ग्राउंड में, आप कहीं भी लगा के कर सकते हैं। ठीक है, इसके बेनिफिट मैं बहुत सारे बता चुका हूँ। अगर गाइस आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना। कुछ कन्फ्यूजन है तो कमेंट करो, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूँगा। ठीक है गाइस।